Hi guys, welcome back to the channel Traveler Irshad Desi। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमेशा से ही मुझे पसंद थी नेपाल, और इसलिए आज मैं जा रही हूँ इंडिया टू नेपाल बिहार के रक्सौल बॉर्डर होके। तो रक्सौल स्टेशन से मैं एक ऑटो टोटो पकड़ ली जो कि 20 रुपये में मुझे पहुँचा देंगे पीरगंज बॉर्डर पे। वहाँ से कुछ दूर पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको टोटो या ऑटो मिल जाएंगे। तो अभी ये मैं बॉर्डर जा रही हूँ, और यहाँ पे बॉर्डर पे ही मिले हैं मनी एक्सचेंज, जहाँ पे आपको नेपाली करेंसी लेना है। नेपाली करेंसी 1.6 है इंडिया के हिसाब से, यानी कि इंडिया के 100 रुपये में आपको मिलेगी 160 रुपये। तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपये कन्वर्ट कर ली नेपाली रुपी में, मुझे 40,000 मिले। और इंडिया के भी कुछ नोट्स मैं रखी हूँ 150 के नोट्स। तो चलिए अभी मैं बीरगंज पे घुस गई हूँ। बीच का जो लैंड है वो मैं पैदल आना पड़ता है सबको, और यहाँ से मैं फिर से टोटो पकड़ ली, ये भी 20 रुपये लेंगे बोले, और हमें पहुँचा देंगे बीरगंज बस पार्क पे, यानी कि बस स्टैंड पे, जहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए बस मिलते हैं। आप काठमांडू जाए या पोखरा जाए, कहीं भी जाए बस मिलते हैं, तो वही हम जा रहे। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ कुछ तो लाना है, आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट लाइए, पर वीज़ा की कोई बात नहीं है। और पासपोर्ट नहीं है तो सिर्फ वोटर कार्ड या आधार कार्ड लाने से ही चलेगा। कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा आपका, और फोटो कॉपीज लेंगे। तो हम आ गए यहाँ फिर बीरगंज बस पार्क के पास में, एक मोबाइल के शॉप पे आए हैं यहाँ के सिम लेने, क्योंकि नेपाल का सिम तो आपको लेना है। मैं ये एनसेल का सिम ले रही हूँ यहाँ पे 1300 रुपये नेपाली रुपीस में, जो कि हमारे 93 पड़ेंगे। उसमें 1 GB डेटा दिए है 7 डेज के लिए, लोकल कॉल्स के लिए, और इंटरनेशनल कॉल के लिए मैं 100 रुपये का और रिचार्ज कर ली, तो टोटल मुझे 250 नेपाली रुपीस पड़ी। और ये है बस पार्क, बीरगंज के बस पार्क, यहाँ मैं आके टिकट लेने। अभी मैं हूँ घंटा घर में, ये है बीरगंज के घंटा घर। और मेरे पीछे ये पूरे रोड्स है, पूरे मार्केट एरिया है। अभी मैं बीरगंज के मार्केट सबको दिखाने वाली हूँ, चलिए। ये जो घंटा घर देख रहे हैं, आप बीरगंज पे आए हो तो ज़रूर यहाँ आइए। ये बिल्कुल बीरगंज सिटी के बिल्कुल मिडिल पे है। टोटो में हम आए हैं, 10 रुपये लिए हैं। और ये बीरगंज जो सिटी है, ये नेपाल के साउथर्न नेपाल में है, नेपाल के मध्य प्रदेश में, मतलब प्रोविंस होते हैं, जैसे इंडिया में हर कोई प्रोविंस है वैसे यह मध्य प्रदेश में परसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये बीरगंज। और ये है बीरगंज का सब्जी मंडी, मैं ले जा रही हूँ, देखिए बड़ा सा मार्केट है, इसके अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं देखते देखते चलते हैं, आपका नेपाल का मार्केट भी टूर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स यहाँ पे दिख रहे, और भी बहुत किस्म के वेजिटेबल्स दिख रहे, फ्रूट्स दिख रहे। ये पता नहीं क्या है, कुछ पूजा के सामान है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, नारियल है, प्लास्टिक के बर्तन है, झाड़ू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बीरगंज नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं। बीरगंज सिटी बहुत बड़ा ही सिटी है। और ये जो घंटा घर है, ये 1976 में बिल्ट हुए थे, ये जापानी स्कूल किड्स के द्वारा बिल्ट हुए थे जो जापान से आए थे। ये देखिए यहाँ पे चूड़ियाँ भी मिलते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, एक्चुअली पूरे बीरगंज में ही देख लूँ, गाड़ियाँ बहुत जाती है यहाँ पे, पॉपुलेशन अच्छी खसी है लग रहा है। बाज़ार में भी बहुत ही भीड़ है, यहाँ पे हर कुछ मिलते हैं, सब सब्जी नहीं, सब्जी फ्रूट्स कपड़ा वगैरह चूड़ियाँ बर्तन झाड़ू सब कुछ दिख रहे यहाँ पे। ये देखिए चलते चलते, ये देखिए नींबू भी है, ये देखिए ऐसे घर का सामान भी है, तो सब कुछ ये मतलब ये सब कुछ मिलते लगते यहाँ पे।
तो हाँ, नेपाल के जो मैं सिम ली हूँ ना, आपको इंटरनेशनल कॉल के लिए मतलब इंडिया पे कॉल तो करना ही है, आप आए हैं तो घर में कॉल करना है आपको, तो उसके लिए इंटरनेशनल रिचार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ा 100 रुपये। और आप अगर वैसे तो आपको 1 GB फ्री है फॉर 7 डेज, और आपको और भी नेट चाहिए तो रुपीज़ मैं पूछी थी 160 रुपीज़ नेपाली में 5 GB मिलते हैं। मैं नहीं की पर आप कर सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा नेट चाहिए तो। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स सब सब साथ रखेंगे रखेंगे, मैं भी सब साथ में आई लाई हूँ। और ये देखिए, ये है गौहा माई का टेम्पल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है। ये बीरगंज के बाज़ार के बीच में है बिल्कुल। ये माईस्तन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ एन हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल इन बीरगंज। ये 18th सेंचुरी पे तैयार हुए थे। जो लोग बीरगंज आते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं, हम सुने हैं। और इसके बगल में एक और भी मंदिर है, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे 3 मंदिर है बगल बगल में। तो ये है बीरगंज के पूरे एरिया जो मैं आपको दिखा दी, आपको बस टाइम है तो आप यहाँ घूम सकते हैं। अभी मैं ये नेपाल की आइसक्रीम खा रही हूँ। इंडिया के जैसा ही है, बीरगंज पे ऐसे तो कुल्फी मिलते हैं 20 रुपए करके, ज़्यादा नहीं। तो आइसक्रीम कैसे लगते हैं, सेम सेम है। तो अभी फिर हम जाएंगे बस पार्क में जा रहे हैं, क्योंकि हमें फिर बस पकड़नी है, पोखरा जाना है हमें। पोखरा कैसे जाते हैं यहाँ से, वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो पूछना है पूछिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ही सबसे पहले पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।